मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सेल्फ विकास कुमार शर्मा एज ए प्रोफेशनल नर्सिंग ट्यूटर। आप सभी का मेरे नर्सिंग यूट्यूब नर्सिंग चैनल में स्वागत है। माइलेज तो नर्सिंग करियर करके यूट्यूब चैनल है। आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो और अच्छे से अच्छे एजुकेशन स्टेटस मिलता रहे, इसलिए आप सभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। और आज अपन सबसे पहले यहाँ पर डिस्कशन करना चाहेंगे कि क्या होता है सबसे पहला टॉपिक, जो कि एक ह्यूमन के नेचर का बोल सकते हैं, या फिर अपन नर्सिंग के स्टेटस से स्टार्ट करें तो हैंड वॉशिंग क्या होती है। हैंड वॉशिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है, या एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर चल सकते हैं, या फिर अपन बात करें तो एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसीजर हो सकता है। तो हैंड वॉशिंग क्या होती है और कैसे होती है हैंड वॉशिंग, क्या क्या पर्पज होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, ये सारे डिस्कशन अपन यहाँ करने वाले हैं। क्या होती है देखिएगा हैंड वॉशिंग, हैंड वॉशिंग क्यों करते हैं, क्या जरूरी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक बता देता हूँ। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे हैंड वॉशिंग की डेफिनेशन कि क्या होती है हैंड वॉशिंग की डेफिनेशन। आफ्टरऑल अपन पढ़ेंगे कि क्या होते हैं पर्पस, क्यों करनी होती है अपने को हैंड वॉशिंग। उसके बाद मैं बात करूं इंडिकेशन, क्या क्या इंडिकेशन है जिसकी वजह से आपको हैंड वॉशिंग करना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं बात करके चलूंगा कि क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कैसे कैसी कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर आपको क्या नहीं करना है, हैंड वॉशिंग नहीं करना। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं जो कि हैंड वॉशिंग के होते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे क्या ड्यूरेशन होता है हैंड वॉशिंग का। उसके बाद में अपन बात करेंगे विच सॉल्यूशन आर यूज, कि कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं हैंड वॉशिंग के लिए। और फिर अपन बात करेंगे स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग कि कौन कौन सी ऐसी स्टेप्स है जो कि आप क्या करते हैं हैंड वॉशिंग में यूज करते हैं। उसके बाद में लास्ट टॉपिक बात करेंगे, यही है मोस्टली जो भी टॉपिक्स अपन डिस्कशन करके चलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कशन करना चाहूंगा कि डेफिनेशन क्या होती है हैंड वॉशिंग, कैसे आप हैंड वॉशिंग बता सकते हैं कि ये होती है हैंड वॉशिंग। देखिए एग्जाम पर्पज से भी बहुत जरूरी है, और विदाउट एग्जाम पर्पज की अपन बात करके चले तो बिना एग्जाम के पर्पज से भी बहुत जरूरी है। तो हैंड वॉशिंग होता क्या है, हैंड वॉशिंग एक ऐसा प्रोसेस है। देखिएगा मैं डेफिनेशन की अगर बात करूंगा, आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो सीधा सा आप बताकर चले कि इट इज ए प्रोसेस। क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस इन विच रिमूव द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या करते हैं अपन इसके अंदर जो है, इट इज ए प्रोसेस इन विच रिमूव द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो आपके हैंड्स पर प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको आप क्या करके चलते हैं, रिमूव करके चलते हैं। जब आप इसको रिमूव करते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोलकर चलते हैं आप, हैंड वॉशिंग बोलकर चलते हैं। क्या बोलकर चलते हैं आप, हैंड वॉशिंग बोलकर चलते हैं। देखिएगा आपके हैंड्स जो है, जो भी हैंड्स होते हैं अपने, उसके अंदर मोस्टली मैं बात करके चलूं तो हैंड्स पे दो प्रकार के फ्लोरा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भैया, बात करके चलिएगा, देख के चलिएगा, ध्यान रखिएगा। अरे यस और नो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप बात करके चलिएगा। क्या होते हैं, दो टाइप्स के फ्लोरा होते हैं। फ्लोरा की मैं बात करूं, फ्लोरा को आप यहाँ पर मान सकते हैं कि क्या हो सकते हैं, पैथोजन हो सकते हैं। पैथोजन की अपन बात करें तो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है ट्रांजिडेंट फ्लोरा, क्या होता है, ट्रांजिडेंट फ्लोरा, और सेकेंड होता है रेडिएंट फ्लोरा। देखिएगा क्या होते हैं ट्रांजिडेंट फ्लोरा और क्या होते हैं रेडिएंट फ्लोरा। सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रांजिडेंट फ्लोरा, वे फ्लोरा जो क्या करते हो, रेडिएंट होते हो, वे फ्लोरा जो क्या हो रहे हो, ट्रांसफर हो रहे हो, ठीक है। जैसे कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी पैथोजन क्या है, आपके वन हैंड्स पे प्रेजेंट था, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सेकंड हैंड पे प्रेजेंट, या फिर अनदर सरफेस पे क्या हो रहा है, आपके कांटेक्ट में आने से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो बैक्टीरिया वाइज क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, और उसकी वजह से आपकी बॉडी को हार्मफुल हो रहा है, या फिर उसकी वजह से आपकी बॉडी क्या हो रही है, हम साइड इफेक्ट कोज कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं सीधी सी भाषा में बोलकर चले तो जिसकी वजह से डिजीज कोज कर सकते हैं, वो फ्लोरा होते हैं ट्रांजिडेंट फ्लोरा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पे हार्मफुल या साइड इफेक्ट कोज होता है। उसके बाद में मैं सेकंड फ्लोरा की बात करके चलूंगा, रेडिएंट फ्लोरा। और क्या होता है रेडिएंट फ्लोरा, रेडिएंट फ्लोरा वो फ्लोरा होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी बॉडी में आपके हैंड्स पर हैं, प्रेजेंट हैं, लेकिन आप आफ्टर हैंड वॉशिंग, जब आपने हैंड वॉश कर लिया उसके बाद भी क्या नहीं हो रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव नहीं हो रहे हैं। वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि आपकी बॉडी की ग्रोथ, जो कि आपकी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। क्या है भैया, दोबारा बोल के चलिएगा, जो कि आपकी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। तो ऐसे फ्लोरा कभी भी आपकी बॉडी के सरफेस से, हैंड से रिमूव नहीं होते। इस प्रकार के दो प्रकार के क्या होते हैं, फ्लोरा होते हैं। देखिएगा समझ में आई या नहीं आई बात, अब मैं बात करके चलूंगा नेक्स्ट। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही जरूरी है कि कितने टाइप्स की होती है हैंड वॉशिंग, क्या देखकर चलेगा यहाँ पर आप, टाइप्स की, टाइप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। फर्स्ट क्या होता है, अपन सब जानते हैं कि हैंड वॉशिंग मोस्टली टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है मेडिकल हैंड वॉशिंग, और सेकंड होती है क्या, सर्जिकल हैंड वॉशिंग।
ठीक है, मेडिकल हैंड वॉशिंग क्या होती है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग क्या होती है, अपन बात करेंगे। सबसे पहले मेडिकल हैंड वॉशिंग देखिएगा होती क्या है, मेडिकल हैंड वॉशिंग कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है वहां पे आप मेडिकल हैंड वॉशिंग करके चलते हैं, या फिर मैं बात करूंगी कौन कौन से ऐसे दायरा है, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है, या फिर बात करके चले पर कौन कौन से ऐसा प्रोसीजर है जिससे पहले आपको क्या करनी पड़ती हो, मेडिकल हैंड वॉशिंग करनी पड़ती हो, क्या करनी पड़ती हो, मेडिकल हैंड वॉशिंग। अरे कमॉन बोलिएगा, क्या करना पड़ता हो, मेडिकल हैंड वॉशिंग। तो यहां पर अपन बात करेंगे किस चीज की, सबसे पहले बात करेंगे अपन मेडिकल हैंड वॉशिंग क्या होती है। देखो सीधी सी अपन डेफिनेशन देना चाहेंगे तो वही है, कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हो सकता है, कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हो सकता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो क्या कर रहे हैं आप यूज कर रहे हैं और उसके आप हेल्प से क्या कर रहे हैं आपके हैंड वॉश कर रहे हैं। कोई हैंड रब हो सकता है, कोई एल्कोहल युक्त कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आजकल सैनिटाइजर यूज में लिया जा रहा है, तो कोई भी एक्सवाइजेड चीज हो सकती है जो क्या है कि एंटीसेप्टिक है या एंटीबैक्टीरियल है, यहाँ पे पैथोजन जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या करने में, डेथ करने में या किल करने में क्या हेल्पफुल है। तो कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज करते हैं और प्रोसेस करते हैं, जिस प्रोसेस के द्वारा आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव कर रहे हैं उस प्रोसेस को क्या लेकर चलेंगे आप, मेडिकल हैंड वॉशिंग। देखिएगा मेडिकल हैंड वॉशिंग कहां कहां करते हैं, मैं सबसे पहले बताने जाऊंगा कि मेडिकल हैंड वॉशिंग कहां करी जाती है, और सबसे पहला इंडिकेशन है बिफोर कंडक्ट, बिफोर एनी प्रोसीजर कंडक्ट। कोई भी प्रोसीजर आप कंडक्ट करने वाले हैं पेशेंट के साथ में, कोई भी प्रोसीजर एक्स वाई जेड, इवन आप हेल्थ हिस्ट्री भी ले रहे हैं और हेल्थ हिस्ट्री लेने के बाद में आप क्या कर रहे हैं उसे पूछ रहे हैं, उसके उसके फिजिकल एग्जामिनेशन किया आपने, तो बिफोर फिजिकल एग्जामिनेशन और आफ्टर फिजिकल एग्जामिनेशन क्या करना है भैया आपको, हैंड वॉशिंग करनी है। तो दूसरा इंडिकेशन क्या लेकर चलेंगे आप, बिफोर या आफ्टर फिजिकल एग्जामिनेशन आप क्या करके चलते हैं, यहाँ पे हैंड वॉशिंग करके चलते हैं। उसके बाद में थर्ड आती है कोई भी प्रोसीजर कंडक्ट करना है, एनी प्रोसीजर कंडक्ट, आफ्टर एंड बिफोर प्रोसीजर कंडक्ट, देखिएगा आफ्टर एंड। फिर अपन बात कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन, आपने कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करना था पेशेंट की, हिस्ट्री कलेक्शन करी, कोई भी हिस्ट्री थी, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको एक, वो सारी चीजें क्या करनी आपने कंप्लीट कर दी, उसके बाद में क्या करते चलेंगे आप, हैंड वॉशिंग करके चलेंगे। अरे यस और नो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, बता के चलिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान आप यहाँ रखते रहेंगे तो आपको पूरी चीज समझ में आएगी कब क्या और कैसे होता है, क्यों करना पड़ता है, कौन कौन सी सिचुएशन में आप मेडिकल हैंड वॉशिंग करते हैं। देखिएगा इंडिकेशन कंप्लीट होते हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारे इंडिकेशन है जो आप सब जानते हैं कि कब आप मेडिकल हैंड वॉशिंग करते हैं। अब देखिएगा मैं बात करूंगा टाइप्स के बाद में कि मेडिकल हैंड वॉशिंग जो है, मेडिकल हैंड वॉशिंग के अंदर आप कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं, ठीक है। तो मेडिकल हैंड वॉशिंग में कौन सा सॉल्यूशन यूज करके चलेंगे आप, सॉल्यूशन की अगर आप बात करें तो नंबर वन सॉल्यूशन लेकर चलेंगे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन ले सकते हैं आप, जो भी आपके पास अवेलेबल है या स्प्रिट जो भी आपके पास अवेलेबल है वो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन आप यूज कर सकते हैं। देखिएगा बहुत जरूरी है विदाउट एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। अच्छा यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, जैसे कि पानी की कितनी जरूरत है, वाटर की आप बात करके चले तो आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं एज रिक्वायरमेंट, कि जो पर्सन को नीड है जितनी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से पेशेंट क्या कर सकता है, वोटर लेकर चल सकता है, ठीक है। उसके बाद में या कोई भी सोप हो सकता है, जो भी एंटीसेप्टिक सोप हो, जैसे कि आप यहाँ पर अपने इंडिया में सबसे प्रचलित चीज है लाइफ लेकर चलते हैं अपन, तो वो सारी चीज लेकर आप यहाँ पे चलेंगे। उसके बाद में ये सारी चीजें सॉल्यूशन जो कि आप यूज करते हैं, देखिएगा यहाँ पे एक बोरिक एसिड करके भी एक सॉल्यूशन होता है जो कि आप क्या करते हैं हैंड वॉशिंग में यूज करते हैं मोस्टली। देखिएगा ये अपन बात करके चलते हैं हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है, जबकि अपन जनरली यूज के लिए सोप यूज करते हैं मेडिकल हैंड वॉशिंग के अंदर। अब मैं बात करना चाहूंगा कि मेडिकल हैंड वॉशिंग में क्या क्या स्टेप्स होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है बीएससी फर्स्ट ईयर में, जब भी आपका एग्जाम होगा प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तब तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेडिकल हैंड वॉशिंग की कितनी स्टेप्स होती है। तो यहाँ पे आप बता के चलिएगा कि सात स्टेप्स होती है, कितनी स्टेप्स होती है, सात स्टेप्स होती है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी स्टेप होती है और क्या होती है स्टेप, तो आप बता के चलिएगा। सबसे पहली स्टेप आप बता के चलिए क्या चलेंगे, पाम टू पाम, क्या बता के चलेंगे भैया, दोबारा बोलिए, साथ बोलिए, बोलते रहिएगा, जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे हैंड वॉशिंग होगी, ठीक है। पहली स्टेप कौन सी बताई आपने, पाम टू पाम, क्या बताया भैया, पाम टू पाम। सेकंड स्टेप क्या आएगी, पाम टू बैक, आपने सबसे पहले पाम टू पाम रब किया, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, पाम टू बैक आपको हैंड रब करना है, हैंड वॉश करना है, ठीक है, पाम टू बैक कर दिया आपने। फिर देखिए चलिएगा मेरी तरफ साथ साथ देखिएगा, ये क्या था आपका, पाम टू पाम बिटवीन हैंड्स, देखिएगा दोनों पाम सरफेस है जो क्या कर रहा हूं मैं, रब कर रहा हूं, उसको क्या बोल के चल रहे हैं, पाम टू पाम। फिर मैंने क्या किया, पाम टू बैक, देख के चलिएगा, जब आप पाम टू बैक करके चलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पाम टू बैक। उसके बाद में क्या करेंगे, बिटवीन फिंगर, देखिएगा थर्ड स्टेप कौन सी आएगी, बिटवीन फिंगर, यहाँ पर बता के चलेगा थर्ड स्टेप किसको बताएंगे आप, बिटवीन फिंगर्स। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आती है, और नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी आप बता के चलिएगा, बिटवीन फिंगर्स आगे, उसके बाद में क्या बताएंगे आप, इंटरलॉकिंग, क्या बताएंगे भैया, बोलिएगा जोर से, बोलिएगा जोर से, जब भी समझ में आएगा क्या बोल के चलेंगे आप, इंटरलॉकिंग। जब आप इंटरलॉकिंग कंप्लीट करते हैं, इंटरलॉकिंग मतलब स्टेप कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में कौन सी स्टेप आएगी बता के चलेगा, नंबर फाइव,
कौन से स्टेप आई जब आपने क्या कर लिया इंटरलॉकिंग के लिए, तो इसके बाद में क्या है थंब को आपको क्या करना है थंब रबिंग बोल सकते हैं, ठीक, क्या बोल सकते हैं इसको थंब रबिंग, कौन सी स्टेप बोलेंगे भैया बोलिएगा थंब रबिंग, ठीक है। उसके बाद में नंबर सिक्स स्टेप आती है, कौन सी आती है जो आपके नेल बड्स बचे हैं उसको क्या करना है पाम में रब करना है, नेल बड्स को क्या करना है पाम में रब, तो बोल सकते हैं सीधा नेल्स टू पाम, बिटवीन पाम बोल सकते हो या फिर पाम बोल सकते हो। नेक्स्ट क्या होगी आपकी जो रिस्ट बची हुई है उस रिस्ट को क्या करेंगे आप वॉश करेंगे इससे किसके सॉप से, और उसके बाद में क्या कर लेना है एज नीड अकॉर्डिंग जो वाटर है उसके साथ हेल्प से क्या कर लेना है वॉश आउट कर रहे हैं इसको, तो ये आपकी क्या हो जाती है मेडिकल हैंड वॉशिंग कंप्लीट हो जाती है। वापस देख के चलिएगा बहुत जरूरी है, और हमेशा आता है क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले पाम टू पाम होता है, पाम टू बैक होता है, बिटवीन फिंगर होता है, उसके बाद इंटरलॉकिंग, उसके बाद थंब रबिंग, और नेक्स्ट जो आती है वो क्या होती है नेल टू पाम, और आप लास्ट में लेकर चलते हैं रिस्ट, ये सात स्टेप है जो कि मेडिकल हैंड वॉशिंग में लेकर अपन चलते हैं, और ये बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है वो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेडिकल हैंड वॉशिंग कितने टाइम के लिए की जाती है। देखिएगा मेडिकल हैंड वॉशिंग का फिक्स एग्जैक्ट टाइम जो है वो आप अगर क्वेश्चन एग्जाम के पर्पज से पूछा जाता है तो वहां पे आप प्रायोरिटी देकर चलेगा वन मिनट बता के चलेगा, कितना टाइम बता के चलेगा वन मिनट, अगर सेकंड में पूछा जाता है तो 60 सेकंड बता के चलेगा। अगर अप्रोक्सीमेटली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1-3 मिनट के लिए आप क्या करके चलते हैं मेडिकल हैंड वॉशिंग करके चलते हैं, क्या करके चलते हैं भैया मेडिकल हैंड वॉशिंग करके चलते हैं, उसके बाद में अपन नेक्स्ट चीज बात करना चाहेंगे। अब देखिएगा मेडिकल हैंड वॉशिंग कहां पर करते हैं, मैंने इंडिकेशन आपको बता दिए थे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हो सकते हैं मेडिकल हैंड वॉशिंग के, आप सब जानते हैं कि अगर आपकी वुंड्स पे हैंड्स पे कोई भी इंजरी हो रखी है तो आप क्या करें बार बार मेडिकल हैंड वॉशिंग ना करें, आप कोई भी प्रोसीजर कंडक्ट ना करें तो ही बेहतर होगा, हो सकता है आपकी वजह से पेशेंट को क्या हो सकता हो क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस हो, तो इसलिए आप ऐसे सिचुएशन आप ले। नेक्स्ट अपन बात करके चलते हैं नंबर दो, और नंबर दो में बात करेंगे अपन सर्जिकल हैंड वॉशिंग, क्या बात करेंगे अपन सर्जिकल हैंड वॉशिंग, ठीक है। सर्जिकल हैंड वॉशिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कितनी स्टेप होती है, वही सेम क्वेश्चन है। पहला टाइप अपन सर्जिकल हैंड वॉशिंग, कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं मेडिकल सर्जिकल हैंड वॉशिंग कर रहे हैं। अब बात करते हैं सर्जिकल हैंड वॉशिंग में, देखिएगा अगर आपसे यहां से पूछे जाता है कि कितनी स्टेप्स होती है, कितनी स्टेप्स होती है, तो स्टेप्स कितनी बताकर चलिएगा आप, स्टेप्स बताकर चलिएगा 8। यहां पे कौन सी एक स्टेप ऐड कर दी जाती है, और वो लास्ट स्टेप में सिर्फ लास्ट स्टेप के बारे में बताऊंगा यहाँ पे कि कौन सी होती है। जब आप वॉश आउट कर लेते हैं, जब आपके हाथ गीले हैं आपने वॉश कर लिया तो नेक्स्ट जो मेडिकल हैंड वॉशिंग है सर्जिकल हैंड वॉशिंग है उसमें क्या करके चलना आपको, या तो कोई भी जो टॉवल बोल सकते हो आप जिसकी विद हेल्प पे क्या कर रहे हैं आप टॉवल की हेल्प से क्या कर रहे हैं आप हैंड को ड्राई करें, या फिर हैंड ड्राई हो सकता है आपके पास जिसकी हेल्प पे क्या कर रहे हैं आप हैंड्स को सुखा रहे। कहने का मतलब सीधी सी बात है कि आप सर्जिकल हैंड वॉशिंग में क्या करते हैं ड्राई करते हैं हैंड्स को, जबकि मेडिकल हैंड वॉशिंग में नहीं करते। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज मैं पीछे छोड़ के आ गया कि मेडिकल हैंड वॉशिंग में कंटामिनेशन किधर से किधर की होता था, और सर्जिकल हैंड वॉशिंग में यहाँ पे कंटामिनेशन हमेशा लो से हाई की तरफ चलते हैं, आप हैंड्स को क्या करते हैं एल्बो टू पाम लेकर चलते हैं, कहाँ लेकर चलते हैं भैया बता के चलिएगा, ध्यान रखने की बात है हैंड्स को कहाँ चलते हैं एल्बो टू पाम लेकर चलते हैं, कहाँ लेकर चलते हैं, और इधर क्या करेंगे हाई कंटामिनेशन टू लो कंटामिनेशन की ओर चलते हैं, कहाँ चलते हैं हाई कंटामिनेशन टू लो कंटामिनेशन की ओर निकलते हैं अपन, या फिर सीधी सी भाषा में बात करें तो पाम टू एल, क्या बोलकर चलेंगे भैया पाम टू एल, ठीक है। अरे समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा फिर इसके बाद में अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्जिकल हैंड वॉशिंग कितने टाइम के लिए की जाती है, कितना इसका ड्यूरेशन होता है, तो आप यहाँ पे ड्यूरेशन क्या बता के चलेंगे, देखिएगा अप्रोक्सीमेटली अगर आपको टाइम दिया जाता है तो 3-5 मिनट दी जाती है। अब देखिएगा यहाँ पे दो तीन चीजें होती हैं, अप्रोक्सीमेट अगर क्वेश्चन दिया जाता है तो आप क्या बता के चलेंगे 3-5 मिनट, अगर आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जाती है कि एग्जैक्ट टाइम बता के चलेगा तो आप क्या बता के चलेंगे यहाँ पे 3 मिनट्स के लिए, या फिर अगर आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप ओटी के अंदर जा रहे हैं तो आपको कितनी देर के लिए हैंड वॉशिंग करनी है तो आप वहां पर बता के चलेगा 10 मिनट के लिए आपको क्या करनी है हैंड वॉश करना है, और उसको क्या बोलेंगे आप ओटी के लिए स्पेसिफिक हैंड वॉशिंग बोलेंगे, ये टाइम आप बताकर चलेगा, ध्यान रखने की बात है बहुत जरूरी है, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है पूछा जाता है। अब देखिएगा सर्जिकल हैंड वॉशिंग की वही बात है, सॉल्यूशन मैंने बता दिया, सॉल्यूशन दोनों में सेम यूज कर सकते हैं, जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग में उसमें थोड़ा अच्छा सॉल्यूशन बोरिक एसिड वगैरह यूज करते हैं अपन, और जो नॉर्मल मेडिकल हैंड वॉशिंग उसके अंदर अपन नॉर्मल से सॉल्यूशन यूज करते हैं जैसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हो सकता है, लाइफ हो सकता है, और भी कोई एंटीसेप्टिक आपके पास सॉप है तो वो अवेलेबल है उसको यूज करके अपन चलते। देखिएगा मैंने बताया है सीधी सी फंड भाषा में बात करूं, ज्यादा लंबा टॉपिक मैंने लिया नहीं है, ज्यादा टाइम मैं कंज्यूम कर नहीं रहा क्योंकि अपनी पहली क्लास है और पहली क्लास में मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबी क्लास हो जाए, तो इसलिए मैंने कोशिश करी है ज्यादा से ज्यादा आपको बताने की कि आप समझ पाए कि क्या होती है हैंड वॉशिंग।
आई होप कि आप सबको समझ में आएगा। और देखिएगा मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ कि अपना माइलस्टोन नर्सिंग का करियर करके एक नया यूट्यूब चैनल आज ही अपने स्टार्ट किया है, जिसको आप सभी लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इससे आपको मैं कोशिश करूंगा कि नए से नए कंटेंट आपको दिए जाएं और ऐसे टॉपिक्स आपको बताए जाए, एक्सप्लेन करे जाए, जो कि आपके एग्जाम पर्पज से काम आए, हो सकता है कॉलेज पर्पज से भी काम आए। कोशिश में ये मेरी रहेगी कि सब जगह काम आए, लेकिन मोस्टली अपना जो फोकस होगा वो नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए जो अपन लड़ते हैं, तो वो अपन मोस्ट अपना वो होगा क्या होता है नर्सिंग ऑफिसर के लिए। तो अपन उस हिसाब से प्रिपरेशन लेकर चलेंगे। और आप सभी का धन्यवाद। मैं विकास कुमार शर्मा, ब्रांड को बताना चाहूंगा एक बार, मैं विकास कुमार शर्मा एज ए प्रोफेशन की मैं बात करूं तो नर्सिंग ट्यूटर हूं। पिछले एक साल से कंटिन्यू मैं इसी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूं और आई होप आप सभी को मेरी स्टडी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।